बैक टू अवर चैनल रिकिपिया ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह उठ के, सुबह मतलब कल रात को ही प्लानिंग हो गया था हमारा। अभी ऐसा चल रहा है कि रात को जो हम प्लानिंग करते हैं सुबह ना वही करने की ट्राई करते हैं। तो सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत काम हमने किया है और घर की हालत आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखो बेड यहाँ पे है, लेकिन बेड का जो डिज़ाइन है वो रिक ने खोल के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि कल ना ट्राई किया था इसको खोलने में लेकिन कर नहीं पाए। पता है बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन कर नहीं पाए। बाद में यूट्यूब पे देखा तो पता चला कि ये कैसे खोलते हैं, लेकिन दिखा कि खोलना तो कोई बात नहीं, खोल देंगे, लेकिन लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब हम तो नहीं लगा सकते। और जिनको हमने बोला था, जो भैया आए थे फ्लिपकार्ट से लगाने के लिए, उन भैया को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 2000 रुपया लगेगा, इस वजह से हमने ऐसे ही रखा है। गुड मॉर्निंग। तो ऐसे ही रखा है कि ऐसे हम लेके जाएंगे, बाकी जो वो है उसको रिक लगा देंगे। तो रिक है, एक रेडी हो। हाँ ये भी खोल के रखा था। सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है हमेशा, बैट बॉल यही लेके रहते हैं। तो रिक अभी जा रहे हैं खाना लाने पीने के लिए। जाना बाबा। तो अभी रिक जा रहे हैं बाहर से खाना लाने, कचौड़ी लाने के लिए। मैंने बोला क्योंकि अभी घर का हालत इतना खराब है ना, कुछ भी सही जगह पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने बोला जा कुछ लेके आओ। तो ही लेने के लिए जा रहा है, और पता है कि बाहर का खाना अभी मतलब खाना सही नहीं है रिक के लिए, लेकिन कुछ अभी कर नहीं सकते। थोड़ा सा मैंने बोला कि कुछ लेके आओ, कचौड़ी वगैरह फिर रोटी वगैरह जो मिलेगा वही खा लेता है। तो चलो अभी मैं जाती हूँ, रिक जा रहा है बाहर देखो, और मैं भी थोड़ा सा काम वाम करके फिर कुछ करूँगी। और हाँ, आज जितना भी सामान वगैरह है घर का जितना हो सके हम लेके जाएंगे। तो हमने सोचा था कि आज सारा कुछ लेके शिफ्टिंग हो जाएंगे। तो रिक ने मम्मी ने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, क्योंकि बंगाली का जो होता है ना भाद्रो मास, उस वजह से मना किया। और कल से स्टार्ट होगा अमावस्या, और कल तो शनिवार है, इसी वजह से ना जाने के लिए मना किया है। तो मम्मी ने सारा कुछ देख के बोला अब लोग मतलब मैं और रिक संडे को हम दोनों ही शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ सारा कुछ लेके जाएंगे, संडे को हम दोनों न्यू रूम से रहने लगे मतलब रहने लगेंगे। सही है। तो चलो टाइम भी मिल गया और सारा कुछ हो गया। अभी टेंशन बस इस राउटर को लेके है, रिलोकेट किया है 2 बार लेकिन हुआ नहीं है। आज हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल भी करना है। तो शिफ्ट करने के लिए अब तो इतना दिन से चल रहा है माइंड में कि करेंगे 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 नहीं करेंगे, कि इस जगह का जो मतलब आंटी लोग है सब कुछ इतना अच्छे से घुल मिल गया है ना, जाने के मूड भी नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते इस वजह से जा रहे हैं। तो और क्या ही बोलूँ। तो चलो मैं काम करती हूँ, रिकअप आ जाए उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। कुछ ऑलरेडी आ गया है, और बैग थोड़ा सा कम पड़ रहा था इसलिए खाली करके फिर से लेके गई थी। और देखो तो कुछ ऐसा आ गया है, और जो भी हमने रैक वगैरह लेके आए थे ना, बैग थोड़ा थोड़ा खाली कर रहा है, क्योंकि लेने में ज़्यादा आसानी हो। तो इसमें सारा कुछ अभी डाल रहा है, और जूता भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इसको धोना होगा। मैंने तो बोला कि एक जूता तो ख़राब हो गया शायद से, लेकिन नहीं। पहले जूता का रैक ठीक हो जाए, उसके बाद किचन का सारा कुछ ला के तो रखी थी, लेकिन कौन सी बैग में है वही देखना होगा, तो वो भी अभी रख देंगे। तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ काम हो जाएगी। ओटा साइड रेखे दाओ शू रैकटा, और ओटा बार कर दिली होबे। तो गाइस हम लोग न्यू रूम पे शिफ्ट कर रहे हैं, पैसा बचाने के लिए हमने बहन मेरा कुछ ले ही बोला, बस ऐसा किया कि चलो अभी जितना हो सके खुद ही लेके चलते हैं, और कुछ सामान ला के अभी हालत खराब हो गई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और रिक पहले बाहर का चीज किया, अभी ये जो किचन का सामान वगैरह है वो सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ और एक चीज दिखा देते हैं, लाइट वगैरह हमारा किचन, और रिक का काम देखो ना, इस पे एसिड दे दिया और इसका हालत ऐसा बना दिया, अभी पता नहीं क्या होगा। इसका हालत इतना गंदा कर दिया, इस पे कौन खाना पकाएगा। इसने बोला अगर ठीक नहीं होगा तो चेंज करके देगा, देखो हालत देखा।
उसको पता ही नहीं था पिछले बार। और इस पे एसिड देने के कारण भी है क्योंकि पिछले बार इन्होंने हार्ट भी दिया था तो काला पड़ गया था, इस बार इसलिए एसिड दिया। तो गाइस चलो अभी हम काम करते हैं क्योंकि ब्लॉग बना रही हूँ, बीच बीच में काम भी बहुत सारे हैं, एक बार शिफ्ट हो जाए उसके बाद तो आराम ही आराम है ना। तो चलो अभी दोनों मिलकर काम करते हैं। और इस रूम का कलर अच्छा है, इस वजह से वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ अभी तक तो इलेक्ट्रिशियन का कोई काम भी नहीं हुआ, अभी बस वहाँ पे बेड फ्रीज और अलमारी लेकर थोड़ा सा हेडेक सा है। सुबह सोचा था कि आज ही लेके आएंगे लेकिन अंकल वगैरह कुछ को तो किसी को मिला ही नहीं जो ला के दे सकते हैं, तो अभी देखती हूँ। तो चलो अभी काम करते हैं काम। गाइस ऑलमोस्ट बहुत कुछ आ गया, घर का सामान पकड़ो ना, घर में जाने के बाद लगता है कुछ भी नहीं आया। तो है बहुत कुछ लेकिन कपड़ा वगैरह किचन का सारा कुछ आ गया ऑलमोस्ट। अभी थक भी गए हैं दोनों लेकिन लग गया है बहुत ज़्यादा भूख, उसको पता नहीं, इसको थोड़ा सा भूख को कम लगता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। आज तो खाना कुछ बनेगा भी नहीं, बना भी नहीं, बनेगा भी नहीं, लेकिन मेरा छोटा काम आया बंगला कोई का नहीं। मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ और ये अपना फेस देखते हैं, बाल देखते हैं, मुंह पे तो कुछ बात बात होता ही नहीं है। अब लोग कमेंट क्यों नहीं करते ऐसे विद्वान, मैं बात बहुत कम कर रही हूँ ब्लॉग बनाती हूँ। ऐसा नॉर्मल की गलत क्यों करती है तू गंदा, कुछ काम तो थोड़ा करती है मगर इसका बहुत बैक बैक बक बक चिल्लाती है, इसे भी करता रहता है प्रिया। अब लोग दूर हो इसलिए ऐसे बोल के चले जाते हैं, लेकिन अगर कभी आओ तो घर पे, हमारे घर पे, तो देखना कौन ज्यादा, तो मैं बोलती रहती हूँ और ये एक बार बोलते लेकिन इतने गंदा तरीके से बोलते हैं ना कि मैं रोने लग जाती हूँ पता है। तो अभी बिरयानी खाऊंगी चलो, तो चलो अभी कुछ बिरयानी बिरयानी लेके आती हूँ, खाती हूँ फिर काम पे लगती हूँ। तो अपने बना भी लिया जा। देखो गाइस मेरा एक न्यू फ्रेंड बन गए, आशो आशो ओए आए किले, ये অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছিস কেন, তখন না কত গল্প করলাম আমরা কি ও এখানেই থাকে, টাটা টাটা, এই যে দেখো টাটা, খুব অ্যাটিটিউড খুব, এখানে এখানে হিসু করে, এই এখানে হিসু করার জায়গা। मुझे बिरयानी पसंद है और ये टेबल का हम लेके आए थे क्योंकि इस रूम पे आज लंच करना है, हमें जा पता ही था कि रूम जाना ही नहीं है। अब लग रहा है कब काम खत्म होगा, अच्छा नहीं लग रहा। क्या क्या दिया है डाल के दिखाओ, ये दाल है शायद ना, चटनी, वो चटनी है, इस पे क्या है, इस पे है चावल शायद से, ये सब्जी, ये क्या है, भिंडी आलू फ्राई, हाँ, और इस पे दाल है चटनी भी है और इसको अभी ना सबर नहीं उड़ाता इसलिए बैठ गए। क्या भूख लग गया है बहुत प्यार आ रहा है आज मेरे पे, मैंने बोला आज रिक को बहुत प्यार आ रहा है मेरे पे, और आज हम एक थाली में खाना खाएंगे क्योंकि और एक्स्ट्रा कोई थाली भी नहीं है। इस रूम पे हमारा पहले एक साथ का खाना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है इस रूम में सचमुच का, लेकिन काम करते करते ना थोड़ा सा थक गए यही बस और कुछ नहीं है। पहले तो इस रूम को क्लीन किया, उसके बाद सामान वगैरह लाना स्टार्ट किया, तो आज फाइनली सब कुछ हो जाएगी, ये सब कुछ डन। तो
गाइस इसी चलाते लाते रात हो गए। देखो अभी बस ए दो आ जाए तो डन। ये सारा कुछ लेके आए हैं और इस रूम पे तो बेड भी आ गया है, तो अभी बस ये आ जाए तो फाइनली सब कुछ हो जाएगी। फिर किचन का भी सारा कुछ आ गया। एक बारे रेखे दिले हो जाए। हे गाइस, तो अभी रात को 8:30 बज चुके हैं और अभी हम दोनों आए सब काम दाम करके। सूट पे अभी कुछ भी नहीं है, बस ये दो तकिया है क्योंकि आज एक दिन रहना है। सब खाली हो गया कुछ, तो जो कुछ है वो कल हम लोग एकदम फुली फाइनल ले जाएंगे और फाइनली। और हाँ, दो दिन लेट क्यों हो रहे हो तो मैंने बोल ही दिया, भाद्र वाली का भाद्र मास पे रूम चेंज नहीं होता। जिस अंकल का रूम है उन्होंने भी बोला था, लेकिन मम्मी ने बोला कि 13 दिन हो जाए तो उसके बाद जाना, तो इसलिए कल हम जाए। कल तो नहीं, मतलब तो सामान लेके जाएंगे, परसों हम कल सब सामान एकदम ले जाएंगे, जगह पे रख देंगे। तो चलो आज का तो अच्छे बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। अभी भी हम तो नहाना भी कुछ भी, अभी पोछा करेंगे उसके बाद सब कुछ नहाएंगे खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बाय बाय गाइस।